हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। और गाइस, अपनी आज की क्यू एंड ए वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबके साथ एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज लाने वाला हूं, जहां पर हम सब कुछ पहले की थिंग डिस्कस करेंगे, यानी कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों होना चाहिए था, इसके जगह किसे रहना चाहिए था। यानी कि मैं जब यूट्यूब पे नहीं था तो उससे पहले WWE में कई सारी शॉकिंग थिंग हो चुकी जिसके बारे में हम सब बात नहीं किए, और वो थिंग ज्यादा भी पुरानी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट वो टॉपिक लास्ट 10 ईयर से रिलेटेड ही होने चाहिए, यानी कि 2011 से लेकर 2020 तक में, ताकि हमारी मैक्सिमम ऑडियंस इस थिंग में अपना इंटरेस्ट दिखाए और शायद हमारे इस सीरीज की वीडियो इसी वीक आ जाएगी। और आप सबके कमेंट्स पढ़कर ही मैं उस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि आप सबको इसके नीचे एक कमेंट करने जिसके पीछे रीजन क्या कुछ है, जो भी आप सब मुझसे जानना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। मैं एक वीडियो में एक कमेंट को पिक करूंगा जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इसलिए लेट्स सी इस सीरीज में क्या आप सब इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। अगर है तो भाई नीचे कमेंट कर बता देना, एंड अपने कमेंट्स या कहा जाए क्वेश्चन या फिर जो भी आप जानना चाहते हो वो नीचे कमेंट कर देना। तो अब बढ़ते हैं अपने क्यू एंड ए वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो भी आप सबको मुझसे क्वेश्चन पूछते वो नीचे कमेंट कर पूछ लो, मैं आप सबकी मैक्सिमम क्वेश्चन की आंसर करने की कोशिश करूंगा। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चुनते अपने पहले क्वेश्चन को, जो कि हमसे पूछा है हसन राशिद ने, जहां पर उन्होंने बेसिकली ये थिंग लिखी है कि जब रोमन रेंस चैंपियन थे तब वो हर वीक अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करते थे, बट ब्रॉन स्ट्रोमन ऐसा क्यों नहीं करते। अब हर वीक तो रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करते थे, बट हाँ, अगर मानो कल रॉ होने वाली है तो हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर हमें रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिख सकते हैं। बट क्या अब हम सब सोच भी सकते हैं कि क्या WWE बिना अनाउंस किए स्मैकडाउन के एपिसोड में यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच करवाने वाली है, यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन आकर ओपन चैलेंज कर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। अब इसके पीछे मुझे सिर्फ दो ही रीजन नजर आते हैं। पहला रीजन ये है कि जब रोमन रेंस चैंपियन बने थे देन वो WWE के प्लान के अकॉर्डिंग बने थे, बट जब ब्रॉन स्ट्रोमन चैंपियन बने देन WWE के उन्हें चैंपियन बनाने के ओरिजिनल प्लान नहीं थे, यानी कि रोमन रेंस बनने वाले थे बट उनकी जगह ब्रॉन स्ट्रोमन बन गए चैंपियन। और अपडेट्स तो ऐसे भी निकल कर आए थे कि बैकस्टेज उन्हें कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा एज अ चैंपियन। एंड सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि स्मैकडाउन में सुपरस्टार्स ही नहीं है। अब ब्रॉन स्ट्रोमन कोई ऐसे सुपरस्टार नहीं है जो कि हर किसी के अगेंस्ट फाइट कर सके। अब स्मैकडाउन आप चुनो तो भाई गिने चुने ही आप सबको टॉप स्टार देखने को मिलेंगे। एंड अभी रोमन रेंस तो खुद ही गायब चल रहे, और रॉ में आप देखो तो कई सारे बड़े सुपरस्टार्स हैं जिसकी वजह से ड्रू मैकएंटायर को हमेशा न्यू ओपोनेंट मिलते हैं, जैसे कि मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस, बैकलैश में बॉबी लैशली, एक्सट्रीम रूल्स में डॉल्फ ज़िगलर, एंड पॉसिबली समर स्लैम में कोई और होने वाला। बट अगर आप ब्रॉन स्ट्रोमन का केस देखो देन ब्रे वाइट कुछ टाइम का WWE से ब्रेक लिए थे जिसकी वजह से मिज एंड मॉरिसन अगेंस्ट आए थे ब्रॉन स्ट्रोमन से, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से देखो तो ब्रे वाइट के साथ ही ब्रॉन स्ट्रोमन बिजी है, एंड समर स्लैम में पॉसिबली वो ब्रे वाइट के किसी एक कैरेक्टर को फेस करने वाले। और यही मुझे सबसे बड़ा रीजन लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी चैंपियनशिप हर वीक डिफेंड नहीं करते एंड उन्हें लोग फ्लॉप चैंपियन बोल रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग वो फ्लॉप चैंपियन नहीं है। वो अभी के हिसाब से स्मैकडाउन के लिए बेस्ट तो नहीं बट हाँ सही चैंपियन है। अब इसके बाद आप सबके मन में एक सुपरस्टार का नाम तो जरूर आया ही होगा, एंड उससे रिलेटेड है अपनी नेक्स्ट कमेंट जो कि हमसे पूछा है फहिमा ताज ने हिमांशु भाई कि क्या AJ स्टाइल्स फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, यानी कि AJ स्टाइल्स अभी स्मैकडाउन में तो क्या वो यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे। तो इसके चांसेस मुझे काफी ज्यादा लगते हैं, एंड अगर AJ स्टाइल्स WWE के साथ अगले 2 साल तक जुड़े हुए हैं देन मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो यूनिवर्सल चैंपियन जरूर से बनने वाले। और अभी वो एज ए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन काफी ज्यादा अच्छा काम करे, एंड फ्यूचर में जब वो वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे देन वो क्या कुछ फिनोमिनल थिंग्स करते हैं। इसके बाद जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है साधिन शेख ने WWE की कौन सी टाइटल सबसे बड़ा है WWE एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप में से। अब भाई मुझे लगता है कि वो चैंपियन पर डिपेंड करता है कि वो अपनी चैंपियनशिप के साथ कैसा काम कर रहा है। फर्क नहीं पड़ता कि वो WWE या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप हो, अगर चैंपियन अच्छा होता है वो चैंपियनशिप की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। बट अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो भाई WWE चैंपियनशिप ही ज्यादा पावरफुल या कह सकते हो आप ज्यादा बड़ी है। वैसे आप सबको क्या लगता है वो भी जरूर से नीचे कमेंट करके बताना। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है दी अननोन स्पोर्ट्स की तरफ से, इन्होंने लिखा है Q&A रैपिड फायर। हाँ तो चलो भाई हो जाते हैं रेडी। ऑर्टन और सेथ, अगर भाई हील के हिसाब से देखो तो ऑर्टन, एंड अगर फेस के हिसाब से देखे तो सेथ रॉलिंस, एम्ब्रोस और मॉक्सली रोमन और गोल्डबर्ग, रोमन सीना और ऑर्टन सीना, डोमिनिक और मर्फी। अब भाई मैंने देखो डोमिनिक को रेसल करते हुए देखा नहीं है इसलिए यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं चुनने वाला हूँ। इसके बाद Triple H और कर्ट एंगल, ट्रिपल एच। और अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ मेरे चॉइस थे एंड आपके चॉइस डेफिनेटली डिफरेंट होने वाले। इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा वो पूछा है रेसलिंग मार्टी ने, ब्रो क्या WWE ऑडियंस को समर स्लैम में रिटर्न करवाएगी, यानी कि समर स्लैम में हमें ऑडियंस देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं। अब पहले तो मुझे लग रहा था कि हाँ ऑडियंस देखने को मिलेंगे एंड WWE भी प्लान करे थी, बट अचानक से WWE में इतने सारे केसेस आए जिसके बाद ऐसे अपडेट्स निकल कर आए कि WWE अपने शोज को फाइनली अपने
परफॉर्मेंस सेंटर में करवाने वाली है एंड हो सकता है कि वहां पर हमें कुछ रियल ऑडियंस देखने को मिल जाए, बट वैसी ऑडियंस हमें शायद से 2020 तक देखने को नहीं मिलने वाली जैसा कि हम सब देखना चाहते हैं। इसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विकास शर्मा ने, फिन बैलर कभी रॉ या फिर स्मैकडाउन में आएंगे? अब फिन बैलर को एनएक्सटी में इसलिए भेजा गया था ताकि वो AEW के साथ व्यूअरशिप में कम्पीट कर पाए, बट मुझे नहीं लगता कि फिन बैलर का अभी एनएक्सटी उतना यूज करे जैसा कि उन्हें करना चाहिए अपने व्यूअरशिप को अप करने के लिए। एंड बात रही कि फिन बैलर कब वापस आ सकते हैं मेन रोस्टर में, देन मुझे नहीं लगता कि वो इस ईयर वापस आने वाले, एंड अगर वो आते हैं तो नेक्स्ट ईयर या फिर उसके बाद वाले ईयर में आते हुए दिखेंगे जब उनके पास एनएक्सटी में ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होगा। एंड मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जब फिन बैलर वापस से मेन रोस्टर में आए देन उन्हें वैसा ही बुक किया जाए जैसा कि स्टार्टिंग में किया गया था जब वो एनएक्सटी से मेन रोस्टर में आए थे। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि हमसे पूछा है सर्वेश्वर मिश्रा ने, जहां पर इन्होंने मुझसे दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है, भाई आपके हिसाब से अब तक का WWE प्लेयर्स में से सबसे तगड़ी बॉडी किसकी है? तो रॉक या फिर बटिस्टा में से आप किसी का नाम ले सकते हो? इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, आपका फेवरेट हाई फ्लाइंग रेसलर कौन है? रे मिस्टीरियो, एंड साथ ही साथ मैं कलिस्टो का नाम भी लेना चाहूंगा जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फहद असफाक की तरफ से रोमन रेंस कब करेंगे अपना हील टर्न? अब इससे रिलेटेड चैनल पर एक स्पेशल वीडियो आने वाली है जहां पर वो वीडियो सभी के ओपिनियन से हट करोगे, इसलिए भाई वेट करो बस उस वीडियो का। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फारदीन फेरोज खान पठान ने, भाई रैंडी ऑर्टन कब वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे? अब हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर अगर समर स्लैम में देखने को ना मिले तो रैंडी ऑर्टन हमें चैंपियन बनते हुए दिख जाए समर स्लैम के पेपर व्यू में, बट इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। लेकिन अगर सोचो एज अपना रिटर्न करते हैं नेक्स्ट ईयर के रॉयल रंबल के आसपास, एंड अगर रैंडी ऑर्टन उस वक्त चैंपियन रहते हैं और एज रॉयल रंबल जीत कर चुनते हैं रैंडी ऑर्टन को, एंड हमें फिर से ये मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 37 में, एंड पॉसिबली वहां पर क्राउड भी होगी। लेकिन अभी रॉयल रंबल रेसलमेनिया काफी ज्यादा दूर है, बट क्या पता ये हमें देखने को मिल जाए और रैंडी ऑर्टन इसी ईयर के एंड तक या फिर रॉयल रंबल में चैंपियन बन जाएंगे, नहीं तो हो सकता है हमें रेसलमेनिया के बाद कभी किसी चैंपियन के साथ उनका फ्यूड देखने को मिले WWE चैंपियनशिप के लिए। बट आपको क्या लगता है अगर रेसलमेनिया 37 में WWE चैंपियनशिप के लिए एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच फिर से होता है देन ये सही थिंग होगी या फिर नहीं? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडी डी की तरफ से, यहाँ पर बेसिकली वो मेरी प्रेडिक्शन पूछ रहे हैं रे मिस्टीरियो और सेथ रॉलिंस की होने वाली एनआई फॉर एनआई मैच की। तो भाई काफी जल्द चैनल पर एक्सट्रीम रूल्स के प्रेडिक्शन वाली वीडियो आने वाली, इसलिए भाई उसका वेट करो जहां पर आप सबको सारे मैचेस के प्रेडिक्शन पता चल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है WWE स्टेटस ने, रोमन रेंस जब रिटर्न करेंगे तो क्या वो सेथ रॉलिंस के टीम में हो सकते हैं? एंड इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन हमसे पूछा है थी मसाया ने, विल सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस रियूनाइट इन फ्यूचर? अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब रोमन रेंस अपना रिटर्न करेंगे तो क्या वो सेथ रॉलिंस की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं? तो वैसे इसके चांसेस ना के बराबर है क्योंकि सेथ रॉलिंस की टीम में वही बंदे ऐड होते हैं जिनकी अभी WWE में उतनी नाम पहचान नहीं है, या कहा जाए उन्हें एक सहारा देते हैं सेथ रॉलिंस WWE में चमकने का, और वहीं देखा जाए रोमन रेंस की तो वो तो पहले से चमके हुए, या कहा जाए वो WWE के काफी बड़े सुपरस्टार है, एंड अगर एक टीम में दो लीडर रहे तो देखने में भाई काफी ज्यादा ऑड लगेगा, इसलिए मुझे तो इसके भाई ना के बराबर चांसेस लगते हैं। एंड वही बात रही कि क्या सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस फ्यूचर में एक साथ आ सकते हैं, तो इसके चांसेस मुझे 101% लगते हैं। अभी तो ये चीज शायद से नहीं होने वाली क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स अलग अलग ब्रांड में, बट हाँ दोनों सुपरस्टार्स को WWE एक ब्रदर जैसा दिखाती है एंड दोनों काफी अच्छे दोस्त है, और ये थिंग हमें काफी जल्द तो नहीं बट हाँ देखने को जरूर से मिलने वाली है। हाँ तो भाई आई थिंक वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, एंड जिनके भी क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया उन्हें सबसे पहले सॉरी, और मैंने सोचा था कि इस टाइप के Q&A वीडियो मैं हर मंथ करूंगा, बट आप सबकी डिमांड पर मुझे 15 दिन बाद ही लानी पड़ी इस वीडियो को, इसलिए आप सब जुड़े हुए रहो चैनल के साथ, जब भी नेक्स्ट Q&A वीडियो आने वाली होगी उसकी अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा। और हाँ स्टार्टिंग में जो मैंने आप सबसे पूछा था उसके रिलेटेड भी जरूर से कॉमेंट करना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।